नमस्कार, स्वागत करता हूँ इस वीडियो नए यूट्यूब के वीडियो के सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे उप्स के कंसेप्ट की। उप्स के कंसेप्ट के क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हम उन क्वेश्चनों को बात करेंगे जो कि कम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और या तो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे उप्स की, और जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबों की हम बात करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो की सीरीज की शुरुआत करता हूँ। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, द लास्ट स्टेटमेंट इन अ फंक्शन इज ऑफ एन एज, कहता है कि लास्ट स्टेटमेंट जो फंक्शन में होता है वो ऑफ एन रिटर्न कहलाता है, गुड बाय कहलाता है, या फिनिश कहलाता है, इन फंक्शन कहलाता है। तो आपको पता होगा कि अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो वहाँ पर रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो कि किसी फंक्शन का लास्ट कीवर्ड होता है। ठीक है, रिटर्न कराने से वो फंक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, रिटर्न हो गया, रिटर्न कीवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर में। व्हेन द फंक्शन, मान लीजिए कि एक फंक्शन है जिसको डिक्लेयर किया गया इंट टाइप की है। ठीक है, इंटीजर इसकी रिटर्न टाइप है, सम फंक्शन का नाम है, आर्ग्यूमेंट जो है कैरेक्टर सी। ठीक है, और एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है इज एग्जीक्यूटेड। अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो ये क्या होगा, इट कैन थ्रो एनी थिंग, या कि कुछ थ्रो करेगा, इट मे थ्रो एन इंटीजर, क्या है ये इंटीजर थ्रो करेगा, इट मे थ्रो ए कैरेक्टर, या कैरेक्टर थ्रो करेगा, इट मे नॉट थ्रो एनी थिंग, तो ये कुछ भी थ्रो नहीं करेगा। तो इसका आंसर इसका डी, इट मे नॉट थ्रो एनी थिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर है द टू स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ अ कंट्रोल आर, कहता है कि दो स्टेटमेंट बताना है आपको जो कि फ्लो जो है कंट्रोल का, जो फ्लो है उसको चेंज कर देता है। इफ़ एंड स्विच, इफ एंड वाइल, स्विच एंड डू वाइल, ब्रेक एंड कंटिन्यू। यहाँ पे 80% स्टूडेंट जो ब्रेक एंड कंटिन्यू पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब जगह इफ़ एंड स्विच। ठीक है, इफ़ एंड स्विच जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, और ये फ्लो जो है चेंज कर देता है। ठीक है, फ्लो ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम का जो चेंज कर देता है। अब है फोर नंबर, इफ पी एंड क्यू आर असाइंड द वैल्यू 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली देन द स्टेटमेंट पी, कहता है यदि दो स्टेटमेंट पी और क्यू असाइंड वैल्यू 2 एंड 3, असाइंड किया गया वैल्यू 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए पी में 2 है और क्यू में 3 है। ठीक है, और जब एक आपने चलाया पी इक्वल्स टू क्यू प्लस प्लस, तो आपको बताना है यहाँ पे कि पी में जो है क्या वैल्यू आ गई होगी। ठीक है, तो पहले से पी में 2 था, अब क्यू एक्साइन करा गया तो पी में 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे पोस्टफिक्स ऑपरेटर है तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पे 4 आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 3 है तो 3 प्लस प्लस हो गया तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये पोस्टफिक्स ऑपरेटर है। पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी पी में, फिर उसके बाद ये चला जाएगा पेंडिंग में, प्लस प्लस जो चला जाएगा पेंडिंग में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कोई प्रेसिडेंस पता होगा, तो प्लस प्लस जो है कि बाद में पेंडिंग में चला जाएगा, जब दोबारा से वैल्यू क्यू की जनरेट कराएंगे तो जाके 4 होगा, लेकिन फिलहाल जो है पहले वाले स्टेटमेंट यहाँ पे पी की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग में जा चुका होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, असाइन वैल्यू 3 टू पी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इंसर्शन ऑपरेटर है तो सिंपल सा आंसर बी हो जाएगा, इंसर्शन हो जाता है ए और बी इंसर्शन ऑपरेटर। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, 6 नंबर में है, इफ़ यू वांट ओनली वन मेमोरी लोकेशन, यदि आप एक ही मेमोरी लोकेशन चाहते हैं, टू बी रिजर्व फॉर अ क्लास वेरिएबल, किसी क्लास वेरिएबल के लिए रिजर्व हो जाए, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इंस्टेड, कोई मैटर नहीं करता है कितने ऑब्जेक्ट हुए हैं, यू शुड डिक्लेयर द वेरिएबल एज, तो आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ स्टैटिक। ठीक है, एज अ स्टैटिक आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 का ए, आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन को। 7 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन, टू यूज अ टेम्पलेट क्लास, आप टेम्पलेट क्लास यूज करते हैं, टू यूज अ टेम्पलेट क्लास मेंबर फंक्शन यूज द इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पे आपको डॉट ऑपरेटर, ठीक है, टेम्पलेट क्लास में टू यूज द इंस्टेंटेनियस डॉट ऑपरेटर आपको यूज करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं, डॉट ऑपरेटर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर ड्राइव क्लास, यदि मान लीजिए कोई क्लास है जो कि ड्राइव किया गया है अनदर ड्राइव क्लास से, द न्यूली ड्राइव क्लास, तो न्यूली ड्राइव क्लास को आप क्या कहेंगे, न्यूली ड्राइव में क्या चीज़ें रहेंगी। मान लीजिए क्लास है ड्राइव किया गया दूसरे क्लास से, और एक और क्लास है उससे ड्राइव किया गया, यानी सी यानी थर्ड क्लास है, मल्टी लेवल का क्वेश्चन है, मल्टी लेवल इंट्रेंस का, तो कह रहा है मे हैव सम लिबरल एक्सेस टू बेस क्लास मेंबर देन इट्स इमीडिएट प्रोटेक्ट, नहीं ये गलत है, मे हैव द सेम टाइप ऑफ एक्सेस, नहीं कुछ भी एक्सेस टाइप हो सकते हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर, मे हैव मोर लिमिटेड एक्सेस, बिल्कुल सही है, इसके पास ज़्यादा एक्सेस हो जाएंगे टू द बेस क्लास से देन इट्स इमीडिएट प्रोड्यूसर। ठीक है, क्योंकि इसके पास दो दो चीज़ों का एक्सेस रहेगा, एक बेस क्लास उसके बाद एक प्रोड्यूसर क्लास, तो जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस होगा। चलिए इसका आंसर जाएगा सी। अगले क्वेश्चन अगर बढ़ रहे हैं, 9 नंबर में, इफ़ यू असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू, यदि आपने कोई वैल्यू असाइन अ डिफॉल्ट वैल्यू की है टू एनी वेरिएबल इन अ फंक्शन प्रोटोटाइप में पैरामीटर लिस्ट देन, तो क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, कहता है ऑल पैरामीटर्स टू लेफ्ट ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट हैव
लेफ्ट नहीं, हाँ बी हो जाएगा, ठीक है बी हो जाएगा। ऑल पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ दैट, राइट से होता है ठीक है, राइट से जो है सारा का सारा वैल्यू जा रहा होता है ठीक है। तो अगर कोई डिफॉल्ट वाले आपने प्रोटोटाइप में आपने, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बता ही दूँ क्या होता है, कि एक नोट पैड में खोल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंटीजर, मान लीजिए कि एन टी आर ओ, ठीक है एग्जाम है अभी एन टी आर ओ की तो मैं इसकी बात करूँगा, एन टी आर ओ ठीक है। आपने मान लीजिए कि वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए, यहीं पे अगर आप डिक्लेयर के टाइम में वैल्यू दे रहे हैं ठीक है, और ये आपसे आपने कर दिया ठीक है, आपने डिक्लेयर के टाइम में वैल्यू दे दिया है आपने ठीक है, मान लीजिए इंटीजर बी भी है इक्वल्स टू 6, ये डिक्लेरेशन के टाइम में अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, अगर सी लैंग्वेज आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया होगा प्रोटोटाइपिंग दी, अगर यहाँ से ही आप चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं ठीक है, ये एडवांस सी लैंग्वेज है, अगर आप यहाँ से चाहें तो वैल्यू दे सकते हैं। तो ये जो वैल्यू राइट से इनिशियलाइज होना शुरू होती है, राइट से ठीक है, आप जो फंक्शन कॉल करेंगे राइट से वैल्यू जाना शुरू हो जाएगा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है। चलिए अगले और देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो द डॉट 3 नंबर में है, द डॉट ऑपरेटर और अ क्लास मेंबर और एक्सेस ऑपरेटर कनेक्ट द फॉलोइंग टू इंटिजर्स रिगार्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अ क्लास ऑब्जेक्ट एंड अ मेंबर ऑफ दैट क्लास ठीक है, एक क्लास ऑब्जेक्ट होगा और मेंबर होगा क्लास का ठीक है। चलिए आंसर हो गया डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो है 11 नंबर में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स अ फंक्शन नेम डिस्प्ले नेम पासिंग इट नो एक्चुअल आर्गुमेंट। मान लीजिए कोई फंक्शन का नाम है डिस्प्ले नेम ठीक है, और उसको कॉल कराना होता है, तो आपको उसके लिए सिंटेक्स क्या लिखना होता है अगर आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो सिंपल सा है डी इसका आंसर हो जाएगा, डिस्प्ले नेम और आप ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और स्मॉल ब्रैकेट और टर्मिनेटर लगा देते हैं, इससे हम कॉल कर रहे होते हैं ठीक है। आपको मुझे आशा है कि आपको ये सब बेसिक चीज़ आती होंगी ठीक है, नहीं आती है तो आप हमारे उप्स वाले कॉन्सेप्ट के लेक्चर को देख लें ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए 12 में चलते हैं। द फीचर दैट अलाउज यू टू यूज़ द सेम फंक्शन, एक फीचर बताना है आपको टू यूज़ द सेम फंक्शन। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लीजिए सेम फंक्शन है लेकिन डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है ठीक है, सेम नाम का फंक्शन है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फंक्शन विच आर सेम नेम बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट विच कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग ठीक है, यानी आंसर बी हो जाएगा ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कौन था, पहला वैलिड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, हाँ है ये भी है ये भी है, तो इसका आंसर जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव ठीक है। विद अ टेम्पलेट क्लास 14 नंबर, विद अ टेम्पलेट क्लास, एक टेम्पलेट क्लास में टाइप इज जेनरिक। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेम्पलेट क्लास में जेनरिक की जो टाइप की जो है कम से कम एक क्लास होना चाहिए ठीक है, विद एक टाइप जो है जेनरिक होना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा एटलीस्ट वन, सी एटलीस्ट वन ठीक है, एग्जैक्टली वन नहीं एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो इसका आंसर जाएगा वन। चलिए सी हो गया। 15 में देखते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज अ क्लास टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, यू शुड डिफाइन इन ए क्लास सी प्लस प्लस हेडर फाइल ठीक है। यदि आप क्लास के डिफाइंड ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, तो आपको उसके हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा ठीक है, तो इसका आंसर जगह आपको हेडर फाइल। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 16 नंबर में क्वेश्चन है, फंक्शन दैट रिटर्न्स, एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फंक्शन दैट रिटर्न्स, एक ऐसा फंक्शन जो रिटर्न कर रहा था इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट स्टेट, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को जो बताता हो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज, किस में वर्गीकृत किया जाता है उसको। तो इंस्पेक्टर फंक्शन, मेट्यूएटर फंक्शन, एक्जुकलरी फंक्शन एंड मैनेजर फंक्शन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, उसको हम इंस्पेक्टर फंक्शन कहते हैं ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं इंस्पेक्टर फंक्शन कहते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, एंड एक्जुलरी फंक्शन, एक्जुलरी फंक्शन क्या है, तो एक्जुलरी फंक्शन आपको बताना है क्या है। तो पहला ऑप्शन है रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा मेंबर्स, चेंज द स्टेट एंड डेटा मेंबर्स, परफॉर्म्स एन एक्शन और सर्विस। तो एक्जुलरी फंक्शन क्या करता है कि एक्शन और सर्विस को परफॉर्म कराता है, इसका आंसर जाएगा सी, परफॉर्म्स एन एक्शन और सर्विस ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, किसी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को क्रिएट और एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यू नीड टू हैव एक्सेस टू, किसी जरूरत पड़ेगी। तो एक सी प्लस प्लस कंपाइलर, सही बात है कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, और डी में एक टेक्स्ट एडिटर ठीक है, तो दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, बॉथ ए एंड डी ठीक है। एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए आपको जिसमें आप लिख सकें अपने प्रोग्राम को, और एक सी प्लस प्लस का कंपाइलर होना चाहिए ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जाहिर सी बात है कि टर्बोसी में जो है दोनों चीज़ एक साथ मिल जाते हैं आपको, आपको टेक्स्ट एडिटर भी मिल जाता है और कंपाइलर उसके साथ बिल्ट रहता है ठीक है। आप चाहे तो कोड ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, कोड ब्लॉक में आपको स्पेशल टेक्स्ट रीडर मिलता है और कंपाइलर अलग से मिलता है ठीक है। तो इन चीज़ों को आप यूज करके एक सी प्लस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। चलिए 18 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहता है कि इफ़ यू ओमिट एन कंस्ट्रक्टर ठीक है, यदि आप एक कंस्ट्रक्टर को ओमिट, इफ कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट को अगर ओमिट करते हैं, यू इंस्टेड एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट यूज डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आपको एक मस्ट है कि आप एक डिफॉल्ट वैल्यू यूज करेंगे,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर ऑल पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, सही पैरामीटर के लिए राइट से आप आर्गुमेंट लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको मुझे आशा है कि आपको पता होगा ये सब। चलिए बी में देखते हैं, मेनी प्रोग्रामर सेपरेट्स, मेनी प्रोग्रामर जो सेपरेट करते हैं क्लास इंटू टू फाइल्स। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम को देखा होगा कि एक क्लास को जो दो फाइलों में वो सेपरेट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वो क्यों करते हैं। वो एक फाइल को डिक्लेरेशन करते हैं और दूसरे को इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में बहुत यूज होता है, या तो क्लास के हम जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो एक क्लास एक फाइल को क्या करता है, वो डिक्लेयर कर लेता है और दूसरे में इंप्लीमेंट करता है उसको। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वन फॉर द डिक्लेरेशन एंड वन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो अगले पेज में जो अगला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, 21 में, द फाइल्स हुज नेम इंड इन डॉट एच, कहता है कि जिसके लास्ट में एक्सटेंशन जो है डॉट एच लगा हो, ऐसी फाइल को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी फाइल को सिंपल सी बात है हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, हेडर डॉट एच, ठीक है, तो हेडर फाइल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन कर देखते हैं, 22 में, व्हेन एक्सेसिंग अ स्ट्रक्चर मेंबर, जब आप एक स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते हैं, द आइडेंटिफाई टू द लेफ्ट, लेफ्ट में जो रहता है डॉट ऑपरेटर से जस्ट लेफ्ट में जो रहता है इज द नेम ऑफ। जैसे कि मान लीजिए एक नोटपैड में खोल लूँ तो मैं आपको दिखा दूं क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, तो अगर आप उसके मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये जो डॉट होता है, डॉट में मान लीजिए उसका मेंबर कोई रहा है, जैसे कि मान लीजिए उसका मेंबर नेम रहा है। ठीक है, नेम रहा है वेरिएबल, इसको जब एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके डॉट के पहले क्या रहता है। तो डॉट के पहले जो है आपने जो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल बनाया होगा वो रहेगा। स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कुछ भी है, जैसे स्ट्रक्ट का मान लिया एसटी आपने बना लिया, तो एसटी उसका नाम के पहले रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रक्चर यूज किया तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल सी इसका आंसर हो जाएगा, डॉट से लेफ्ट में, लेफ्ट यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, एज्यूम दैट द प्रोग्राम कंटेन्स अ प्रोग्राम डिफाइंड वाइट फंक्शन, मान लीजिए कि एक प्रोग्राम डिफाइंड किया गया वाइट फंक्शन से। ठीक है, व्हेन सी प्लस प्लस इनकाउंटर द क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है, द सी प्लस रिटर्न द स्टेटमेंट। तो ये जो है वाइट फंक्शन, मान लीजिए कोई आपने फंक्शन बनाया, उसको डिक्लेयर किया आपने, जब उसको कॉल आप करेंगे, अगर आपने ऐसा उसमें कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो जो होगा इमिडिएटली बिलो द स्टेटमेंट दैट कॉल द फंक्शन, इमिडिएटली उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा उसको पहले वो कॉल कर लेगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 24 में, इनहेरिटेंस अकर्स व्हेन अ क्लास एडॉप्ट्स ऑल द ट्रेट्स, इनहेरिटेंस अकर करता है जबकि वो सारे के सारे उसके पेरेंट क्लास को एडॉप्ट कर लिया हो। ठीक है, पेरेंट क्लास को एडॉप्ट कर लेता है, तो इसका आंसर जाएगा 24 का बी। चलिए 25 में क्वेश्चन देखते हैं, टेम्पलेट क्लास दैट हैव ऑलरेडी बीन रिटेन टू परफॉर्म कॉमन क्लास टास्क आर कॉल्ड अ कंटेनर क्लास। ठीक है, टेम्पलेट क्लास वो क्लास होते हैं जिसके ऑलरेडी परफॉर्म कॉमन क्लास डिक्लेयर कर गए होते हैं, तो उसको हम कंटेनर क्लास कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आप आंसर भी देख लें, आंसर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले पेज की ओर। तो अगले पेज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 26 में, 26 में क्या कह रहा है, इज अ सिंगल आइटम। ठीक है, कोई एक सिंगल आइटम है, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो इसका आंसर जाएगा बी, अ फील्ड इज अ सिंगल आइटम और इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी सिंगल आइटम इंफॉर्मेशन को बताने के लिए फील्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 27, विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप नहीं है। तो एन एरे आप प्रोग्रामर बना सकते हैं खुद का एरे। ठीक है, स्ट्रक्चर आप खुद का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, क्लास खुद का क्लास डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द आर प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप। ठीक है, सारे के सारे प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 28 का, एज्यूम अ प्रोग्राम कंटेंस, मान लीजिए कि आप एज्यूम कीजिए कि प्रोग्राम कंटेंस करता है वाइट फंक्शन नेम डिस्प्ले नेम, एक डिस्प्ले नेम का प्रोग्राम है, वाइट डिस्प्ले नेम है, विच रिक्वायर्स नो फॉर्मल पैरामीटर्स, विच अदर फॉलोइंग इज अ करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा करेक्ट प्रोटोटाइप होगा फंक्शन के लिए। तो बहुत ही आसान सा इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जो कि कोई रिटर्न टाइप नहीं करता, तो वाइट लिखेंगे आप, उस फंक्शन का नाम डिस्प्ले नेम लिखेंगे। अगर आप इसको डिक्लेयर करना हो तो सिंपल ऐसा डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका सिंटैक्स हो गया। तो इस सिंटैक्स को देख लें और इस सिंटैक्स को मिला लें, इस पर कौन सा है, सिंटैक्स को मिलाएंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ इसमें से डी जो है इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 का डी। चलिए क्वेश्चन का देखते हैं, अब फाइल पॉइंटर ऑलवेज कंटेंस द एड्रेस ऑफ द फाइल, कहता है कि फाइल पॉइंटर है जो कि ऑलवेज कंटेंस करता है एड्रेस ऑफ द फाइल। तो इसका आंसर ये कह रहा है कि पॉइंटर जो कि हमेशा जो है एड्रेस ऑफ द फाइल कंटेन करता है, तो ये गलत है कि वो वेरिएबल का एड्रेस रखता है, किसी फाइल का एड्रेस नहीं रखता है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, फॉल्स।
13 नंबर में क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया है, अ डिक्लेयर अ फंक्शन, मान लीजिए आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, तो ऐसे समझ लीजिए फंक्शन को आप डिक्लेयर कहाँ करते हैं, तो टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर होता है कभी भी कोई फंक्शन, खासकर सी प्लस प्रोग्राम में, और जस्ट हेडर फाइल के नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर जगह बी, जो ऊपर में रहता है उसको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहते हैं, तो आंसर जगह बी 32 का, 30 का बी। तो अगले पेज की ओर चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में 31 में क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन हु प्रोटोटाइप इज आइटम गेट डेटा वाइड, ठीक है, रिटर्न। फंक्शन जो की जो प्रोटोटाइप होती है, मान लीजिए आइटम है, गेट डेटा फंक्शन का नाम है और उसका जो आर्गूमेंट है वाइड टाइप की है, तो क्या रिटर्न कराएगा, तो जो है कुछ रिटर्न नहीं कराएगा, नथिंग रिटर्न कराएगा, क्योंकि इसकी जो डाटा टाइप जो है रिटर्न टाइप जो आइटम है, ठीक है, तो इसका कोई रिटर्न नहीं कराएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यूजिंग न्यू मे रिजल्ट इन लेस, ठीक है, यूजिंग न्यू मे रिजल्ट इन लेस मेमोरी यूजिंग एन एरे, तो इसका वेस्टेड आंसर हो जाएगा, वेस्टेड मेमोरी देन यूजिंग एन एरे, ठीक है। यूजिंग एरे को, यूजिंग एरे को नहीं करके न्यू को यूज करना एक वेस्टेड मेमोरी का एक सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 33 में द मोस्ट कॉमन ऑपरेशन यूज इन कंस्ट्रक्टर इज, कहता है कंस्ट्रक्टर में जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है, मोस्ट कॉमन ऑपरेशन यूज इन कंस्ट्रक्टर इज क्या होगा, आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन ऑपरेशन यूज इन कंस्ट्रक्टर इज असाइनमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का जो कॉमन ऑपरेशन होता है वो या तो इनिशियलाइजेशन करवाना होता है या तो असाइनमेंट होता है, दोनों एक ही चीज़ होती है, इनिशियलाइजेशन करवाना असाइनमेंट करवाना, ठीक है। तो इसका आंसर देगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो 34 में है, इन अ सिंपल इफ स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई इफ स्टेटमेंट है यदि विथ नो एल्स, और उसके साथ एल्स नहीं लगा है, ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ द कंडीशन फॉल्स, यदि कंडीशन फॉल्स रहती इफ की तो क्या होगा, कहाँ पे जाएगा। तो मान लीजिए कि इफ आपने कोई कंडीशन लिखा और एल्स उसके साथ नहीं है और कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आपको बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन है द प्रोग्राम सर्चेज फॉर द लास्ट एल्स, नहीं प्रोग्राम कोई एल्स को सर्च नहीं करेगा, अगर है नहीं तो सर्च नहीं करेगा, नथिंग नहीं, कुछ तो होगा जरूर। सी में कह रहा है कंट्रोल फॉल्स थ्रू टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ, तो बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल जो है फॉल कर जाएगा इफ के साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट रहा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा सी, 34 का सी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ टू टाइप्स ऑफ एरर, मान लीजिए दो टाइप्स के एरर आ रहे हैं, ठीक है, मे बी थ्रोन, थ्रो किया गया रन टाइम पे, दो टाइप्स के थ्रोन किया गया, यू शुड राइट एक कैच ब्लॉक, नो कैच ब्लॉक, नहीं कैच ब्लॉक तो यूज करना पड़ेगा, वन कैच ब्लॉक, एक कैच ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, टू कैच ब्लॉक, वन विथ आर्गूमेंट विथ नो वन, नहीं दोनों में आर्गूमेंट चाहिए मुझे, तो इसका आंसर जगह डी देख सकते हैं, टू कैच ब्लॉक विथ वन आर्गूमेंट इज, ठीक है, दो कैच ब्लॉक होंगे दोनों में एक एक आर्गूमेंट रहेगी, ठीक है, दो एरर है, दो कैच ब्लॉक, दो एरर ट्राई के साथ, ठीक है। तो ये हो गई कैच ब्लॉक का आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 36 में द नेम ऑफ अ फंक्शन एंड्स विद, किसी फंक्शन का जो नाम है किस से एंड्स होता है, तो आप जब फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन आप चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, फंक्शन जैसे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया है इंटीजर, मान लीजिए कि NTRO, ठीक है, तो फंक्शन है सिंपल है, किससे एंड हुआ, ये से पैरेंथेसिस से एंड हो गया, तो इसी तरह यहाँ पे कह रहा है द नेम ऑफ फंक्शन एंड्स विद डबल कोट्स, नहीं सिंगल कोट्स, नहीं पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस से एंड हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा पैरेंथेसिस। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इसमें से कौन सा नहीं है, तो रिपीटेशन, सेलेक्शन, सिक्वेंसी, तीनों ही प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखें कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। जहाँ पे बात करूँ सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग एरे में हो जाती है, तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सॉर्टिंग आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो बिट वाइज और ऑपरेटर, तो बिट वाइज और ऑपरेटर क्या है, तो यूनरी ऑपरेटर नहीं, सिंगल ऑपरेटर नहीं है ये, बिट बाइनरी ऑपरेटर, बिल्कुल सही बात है कि बिट वाइज और ऑपरेटर जो एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो बिट वाइज और ऑपरेटर जो है बाइनरी ऑपरेटर कैसे है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपने लिखा ए ग्रेटर देन 5 और लगाते हैं बी लेस देन 9, ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं, तो दो ऑपरेटर पे काम कर रहा है, ठीक है, दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 39 में क्वेश्चन है, अ क्लास स्टॉक होम हैज 4 डेटा मेंबर्स, मान लीजिए क्लास है जिसके पास 4 डेटा मेंबर्स हैं एंड 3 फंक्शन मेंबर हैं, यू डिफाइन 3 ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने उस क्लास का जो है 50 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, विच इज ट्रू, इसमें से कौन सा सब ट्रू होगा, ओनली वन कॉपी ईच ऑफ द 3 फंक्शन एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन तो सही है, कह रहा है कि एक कॉपी जो है प्रत्येक फंक्शन का जो है एक ओनली वन कॉपी ऑफ ईच ऑफ द 3 फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, तीनों फंक्शन की एक एक कॉपी आ जाएगी, ओनली वन कॉपी ऑफ ईच डाटा मेंबर्स, नहीं डाटा मेंबर्स का कोई एक कॉपी नहीं होगा, ठीक है, ओनली ईच का नहीं होगा, एक ही कॉपी आएगी इसकी, बहुत एंड बी आर ट्रू, नहीं सी नहीं होगा, तो ए सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 40 में द कंटिन्यू स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन ओनली,
कंटिन्यू जो स्टेटमेंट किस में लिखा जाता है, ब्रेक और कंटिन्यू जो है किस में लिखा जाता है, तो इन द बॉडी ऑफ अ लूप, लूप में लिखा जाता है। कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू लूप में लिखा जाता है, ठीक है, कंटिन्यू लूप में सिर्फ लिखा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, तो इसका याद रखेंगे ये। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 41 में है, अ मेजर एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस का मेजर एडवांटेज आपको बताना है। तो देखिए इनहेरिटेंस के एडवांटेज तो बहुत हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अनुसार अगर आपको चुनना हो तो जैसे तो आप रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड याद रखेंगे, ठीक है, और टाइमिंग को कम कर देता है, ठीक है, और प्रोग्रामर्स के कोड को रिड्यूस करता है, ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन जो है रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट टेक टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट को बनाने में जो टाइम कम लगेगा वो टाइम को रिड्यूस करता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बी में कह रहा है नॉट हैविंग टू थिंक अबाउट हैव ऑब्जेक्ट विल बी यूज, नहीं ये गलत है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये भी गलत है। इनेबल पीपल हु हैव नॉट स्टडीड प्रोग्रामिंग टू क्रिएट यूजफुल एप्लीकेशन, नहीं ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, रिड्यूसिंग द टाइम इट टेक्स टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। अब 42 में व्हेन ए वेरिएबल एग्जिस्ट्स और इनएक्सेसिबल इट इज सेड टू बी, कहता है कि वेरिएबल है एग्जिस्ट करता है और एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकते हैं आप, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इट इज सेड टू बी इन स्कोप, यानी मतलब कि अगर हम किसी वेरिएबल वेरिएबल हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे इन स्कोप, यानी वो स्कोप में हमारे है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, 43 में, द फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन, एक ऐसा फीचर जो कि अलाउज करता है सेम ऑपरेशन टू बी कैरियड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके का नाम है उसका और एक ही ऑपरेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, डिफरेंटली तरीके से बिहेव कर रहा है लेकिन ऑपरेशन सेम हो रहा है तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन आपको दे रहा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सी प्लस प्लस क्लास, में सी प्लस क्लास कौन सा, आईओ सिस्टम, मैंने बहुत बार बताया आपको एसटीएम उसका क्लास है, ठीक है, आईओ सिस्टम। प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर, प्रेसिडेंस क्या डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंस डिटरमाइन करता है इज एबिलिटेड फर्स्ट, कौन सा के एबिलिटेड फर्स्ट हो उसको डिटरमाइन करता है प्रेसिडेंस, ठीक है। हायरार्की लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होती है और प्रेसिडेंस जो है कि डिटरमाइन ये करता है कि कौन सा ऑपरेटर कैसे पहले एबिलिटेड हो, तो इसका आंसर जगह ए, 45 का ए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में व्हेन यूजिंग द स्टैंडर्ड फाइल्स दैट कम विद सी प्लस प्लस कंपाइलर यू शुड सराउंड द हेडर फाइल नेम विद, कहता है कि अगर एक ऑफिशियल कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं टर्बोसी लाइक, तो आप जो है हेडर फाइल को कैसे दर्शाते हैं, हेडर फाइल को कहाँ पे लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में, एंगल ब्रैकेट में, पैसे सिंपल सी बात आपको बताओ, एंगल ब्रैकेट में जो हम हेडर फाइल को लिखते हैं कैसे लिखते हैं उसको भी हम देख लें जरा सा। देखिए ये एंगल ब्रैकेट में हेडर फाइल मान लीजिए स्टूडियो डॉट एच है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो ये एंगल ब्रैकेट में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला, द लूप कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट बाय, लूप कंडीशन जो है फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो डायमंड से, ठीक है, डायमंड शेप से जो है, डायमंड शेप से ये जो है लूप कंडीशन अगर आप फ्लो चार्ट आपने बनाया होगा तो उसमें डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ एनी आर इनवैलिड नेम ऑफ वेरिएबल, इसमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का जो कंडीशन है उसके अनुसार से, बैंक अकाउंट नंबर सही है, अभी फर्स्ट नेम ये भी सही है, अंडरस्कोर लग सकता है, डबल नंबर ये भी सही है, ऑपरेटर ये भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आर वैलिड, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल, ऑल ऑफ द अबव आर वैलिड नेम फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है। 48 में आप देखेंगे विच, यानी इसमें सारे वेरिएबल्स कंबाइंड हैं, ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, सारे सारे वेरिएबल जो इसमें आप ये प्रीडिफाइंड है, और प्रीडिफाइंड कहता हूँ ये वेरिएबल जो है आप पे डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, तो आप ध्यान रखेंगे, आप वेरिएबल के रूल को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 49, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट, इनहेरिटेंस किसका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेंगे आप कि जब भी आए इनहेरिटेंस के बारे में तो इसके क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अनुसार से होते हैं, यानी आपके जो ऑप्शन होंगे उसके अनुसार से होंगे, तो इसका ऑप्शन याद रखेंगे बी हो जाएगा, नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाई टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनिशलाइज कर पाएँ, तो उसके लिए इनहेरिटेंस भी आया था, ठीक है। तो आप मुझे आशा है कि आपको 49 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस लगभग थे आज के इस लेक्चर्स में, आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, और इसको आप बार बार देखें आपको याद हो जाएंगे, और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, और फिर जस्ट इसके बाद ही मैं और 50 क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं उप्स के कॉन्सेप्ट को सारे के सारे कम से कम आपको 200 से 300 क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि क्योंकि उप्स से कम 5 से 6 क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिशन एग्जाम से आते ही आते हैं, तो आपके सारे के सारे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, और आपको साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद भी रहे, समझ भी आए, ठीक है। तो बस आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और अगले वीडियो के साथ मैं जस्ट जल्दी हाजिर रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।